हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज बनाएंगे स्वीट चंपाकली। स्वीट चंपाकली बनाने के लिए 2 कप मैदा लेंगे, 1 पिंच इसमें नमक डाल देंगे, 4 टेबलस्पून पिघला हुआ देसी घी डालेंगे। इसमें आपको देसी घी ही डालना है, मिठाइयाँ क्योंकि देसी घी के साथ ही अच्छी लगती हैं। अब इसको अच्छी तरह से मल लेंगे। देखिए इस तरीके से बाइंड होनी चाहिए। अब इसमें से आधी मैदा अलग कर लेंगे। 2 कप मैदा लिया था तो 1 कप मैदा को अलग कर लेंगे। ये देखिए स्वीट चंपाकली मैं कलरफुल बना रही हूँ। अगर आप चाहें बिना कलर के बनाना तो आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप इसको ऐसे ही गूंद सकते हैं। मैं 2 कलर में बनाऊँगी तो इसलिए मैं इसमें आधे मैदा में मैं ये पिंक कलर का जेल फूड कलर डाल रही हूँ। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका मीडियम हार्ड डो बनाएंगे, जैसा हम पूड़ी के लिए बनाते हैं। ये देखिए सेमी हार्ड डो बन गया है। जो ये थोड़ा आपको मार्बल फिनिश जैसा दिखाई दे रहा है, जब मैदा का रेस्ट हो जाएगा दोबारा जब हम इसको मलेंगे तब ये सब अच्छे से मिल जाएगा। अब इसी तरह जो मैदा हमने ये निकाला था इसमें येलो जेल फूड कलर डाल के इसी तरह का बिल्कुल सेमी हार्ड डो बना लेंगे। ये देखिए दोनों तरह के डो बन गए हैं। अब इसको गीले कपड़े से ढक के 15-20 मिनट के रेस्ट के लिए रख देंगे। इतनी देर में चंपाकली के लिए चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए कोई पैन ले लें। ये देखिए 1 कप चीनी लेंगे, इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। अब इसमें उबाल आने देंगे, चीनी को बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक चीनी पिघल नहीं जाती। ये देखिए पानी में उबाल भी आ गया है, चीनी भी घुल गई है। अब इसको हमें बिल्कुल शहद जैसी चिपचिपी चाशनी बनानी है, कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। 3 से 4 मिनट ही बस इसको पकाना है। चाशनी को पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं, अब इसको चेक करेंगे। ध्यान से टच करें, ये देखिए हल्का सा फिंगर पे लेंगे। ये देखिए इसमें कोई तार नहीं आ रही है लेकिन ये चिपचिपा हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे। 1/2 टीस्पून इसमें नींबू का जूस डाल देंगे, इससे चाशनी में क्रिस्टल नहीं पड़ते हैं। और 1/4 टीस्पून पिसी हुई इलायची का पाउडर डालेंगे, इसको मिला देंगे। चाशनी को ढक के रख देंगे और डो के रेस्ट होने का वेट करेंगे। डो का रेस्ट हो चुका है, अब इनको एक बारी अच्छे से मल लेंगे। इसी तरह पिंक वाला भी मल लेंगे। अब इनके पेड़े बनाएंगे। ये देखिए इनके इतने बड़े बड़े पेड़े बनाएंगे, जितनी बड़ी हम पूड़ी के बनाते हैं उससे ये थोड़े छोटे बनाएंगे। इसी साइज के दोनों तरह के पेड़े बना लेंगे। ये देखिए सभी पेड़े बन गए हैं। क्योंकि हम 2 पेड़े से 1 चंपाकली बनाएंगे तो मैंने दोनों तरह के ये 12-12 पेड़े बनाए हैं। अब इससे चंपाकली तैयार करेंगे। एक एक पेड़ा ले लेंगे और बाकी को गीले कपड़े से ढक के रख लेंगे। सूखे मैदा से डस्ट कर लेंगे और इसकी पतली सी पूड़ी बेल लेंगे। इसी साइज की पिंक वाली पूड़ी भी बेल लेंगे। ये देखिए मैंने इतना पतला बेला है, इसको पतला ही बेलना है। नीचे येलो पूड़ी रखेंगे, उसके ऊपर पिंक पूड़ी रखेंगे। साइडों से हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब देखिए साइडों की जगह छोड़ के हम इसमें बीच बीच में कट लगाएंगे।
इधर उधर देखिए, सब तरफ चारों तरफ जगह छोड़ देंगे इस तरीके से। अब इनको इस तरफ से उठाएंगे और ये देखिए, जैसे हम टॉफी को रैप करते हैं, एक राइट, एक तरफ से राइट और एक तरफ से लेफ्ट, इस तरीके से इसको ट्विस्ट करते हुए फोल्ड करेंगे। ऊपर से इसकी ऐसे नोक बना देंगे, ये देखिए इधर से भी हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस करके चिपका दिया है और ऊपर से भी इसको चिपका दिया है। ये हमारी चंपाकली बनके तैयार है। इसी तरह सभी चंपाकली तैयार कर लेंगे। ये देखिए सभी हमारी चंपाकली बन गई हैं। अब इनमें एक काम और करेंगे, ये देखिए ये मेरे पास हरा रंग है, मैंने इसमें जेल फूड कलर यूज़ किया है, लेकिन जेल फूड कलर यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। आपके पास लिक्विड या पाउडर, जिस भी तरह का आपके पास फूड कलर है, आप वही यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है, इसका स्टेम वाला, इसको ग्रीन कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से एक ही तरफ लगाना है, सभी चंपाकली को इसी तरीके से एक तरफ हरा रंग लगा देंगे। ये देखिए सभी चंपाकली को ग्रीन कलर भी लग गया है। अब ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब इनको डीप फ्राई करेंगे। स्वीट चंपाकली फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दें। कोई भी मिठाई फ्राई करने के लिए ऑयल पुराना ना लें, नमकीन तला हुआ है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नया तेल ही लें कोशिश करके। चंपाकली फ्राई करने के लिए ऑयल हल्का गर्म ही करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें चंपाकली डाल देंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत चंपाकली लग रही है। धीरे से इनकी साइड बदल देंगे। ये देखिए चंपाकली फ्राई हो गई है, हल्का हल्का सा इसके ऊपर गोल्डन कलर सा दिखने लग गया है। बस इतना ही कलर इस पे लाना है। अब इनको निकाल लेंगे। अब ये देखिए, अब अपनी चंपाकली को स्वीट बनाएंगे। जो चाशनी हमने तैयार की थी, चाशनी में डिप करेंगे। चाशनी को बने हुए थोड़ी देर हो गई है तो ठंडी हो गई है, इसको हल्का गुनगुना कर लेंगे। चाशनी गुनगुनी गर्म हो गई है। अब ये देखिए इस तरीके से चंपाकली इसमें डालेंगे और इसके ऊपर चाशनी डाल देंगे। ये देखिए एक प्लेट के ऊपर इस तरीके से जाली का स्ट्रैंड रख लीजिए। इस तरीके से जाली के स्टैंड पे रखते जाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो नीचे निकल जाएगी। इसी तरह सभी चंपाकली तैयार कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी चाशनी इस तरीके से और डाल देंगे, कहीं कहीं रह गई होगी तो वो भी अंदर तक चली जाएगी। इनको थोड़ी देर इसी तरह से रहने देंगे। थोड़ी देर के बाद ये थोड़ी ड्राई सी होने लग जाएंगी, फिर इनको किसी एयरटाइट कंटेनर में आप रख के 15 दिन तक भी खा सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। एक के ऊपर एक ज़्यादा देर तक ना रहने दें कि ये चिपक ना जाए। थोड़ी देर में इनको हल्का हल्का सा ऐसे हिला दें। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी चंपाकली बनी है। लीजिए बनके तैयार है हमारी बहुत ही खूबसूरत टेस्टी स्वीट चंपाकली। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव कमेंट करके शेयर कीजिएगा। इनको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।